आप देख रहे हैं एनटीवी टाइम। जनपद बाराबंकी के थाना रामनगर क्षेत्र के अंतर्गत सुढ़िया मऊ कस्बा में लूट के इरादे से घर में घुसे अज्ञात हथियारबंद बदमाशों ने संदिग्ध अवस्था में चौकीदार का गला घोटकर हत्या की। इलाके में सनसनी। लूट के इरादे से मनशाराम जायसवाल के घर में घुसे अज्ञात बदमाशों द्वारा विरोध करने पर चौकीदार 50 वर्षीय शंभू की कर दी हत्या। पुलिस के आला अधिकारी व डॉग स्क्वाड की टीम मौके पर घटना की जांच में जुटी। एसपी अरविंद चतुर्वेदी घटनास्थल पर पहुंचकर कर रहे हैं निरीक्षण। एसपी अरविंद चतुर्वेदी ने घटना के अविलंब अनावरण के दिए आदेश। रामनगर थाना क्षेत्र के सुढ़िया मऊ कस्बे में चौकीदार की गला घोटकर हत्या का है पूरा मामला। बाराबंकी से संदीप तिवारी की रिपोर्ट। जैसा कि मुझे जानकारी हुई, सुबह 6 बजे मुझे फोन आता है, मैं बाराबंकी में रहता हूँ। यहाँ पर ये हमारा परिवार है, ये हमारा घर है, हमारा घर बाराबंकी में भी है, मैं वहाँ रहता हूँ। यहाँ पर मेरा पूरा परिवार यहाँ रहता है। मुझे फ़ोन आता है कि 6 बजे मैं छोटे भाई का फ़ोन आता है कि भैया यहाँ पर कुछ आदमी दिखे गए, हमने कुछ देखा है और वो असलाह लिए हुए हैं। तो हमने कहा ठीक है, तुम परेशान ना हो, तुम अपना रूम बंद करके चुपचाप बैठो वहाँ पर, बाकी शंभू है, शंभू अगर कोई आवाज़ देगा तो फिर हम और लोगों को लोकल में फ़ोन कर रहे हैं और तुम भी फ़ोन कर दो, या तो फिर 112 नंबर पर फ़ोन करो। तो 112 नंबर का फ़ोन नहीं लगा, 112 फ़ोन नंबर नहीं लगा तो मैं पर्सनल फिर मैंने लोकल पुलिस वाले यहाँ पर थाने पर फ़ोन किया, जो कि उनको बताया गया। तो वो डेढ़ घंटे बाद आए और मैंने बोला कि यहाँ पर ऐसी ऐसी कैजुअल्टी हो गई है। उसके बाद एसपी सर से मैंने बात की, जब एसपी सर से बात की तब उन्होंने थाने फ़ोन करके और सारी कार्रवाई कराने की कोशिश की गई है, तब लोग यहाँ पर पहुँचे हैं हमारे थाने से। नहीं तो जब आप जीने पर चढ़े तो क्या देखा कि? जीने पर मैं पहले नहीं चढ़ा, जीने पर कुछ लोग बाहर से चढ़े हुए हैं। जब वो सीढ़ी लगाकर चढ़े तो उन्हें देखते हैं कि भैया यहाँ पर जो शंभू लेटे थे, उनका नाम शंभू था, वो विगत 40 वर्षों से हमारे परिवार के साथ, वो हमारे परिवार का हिस्सा ही समझ लीजिए। तो वो जब उन्होंने देखा कि वो बिल्कुल बेसुध पड़े हुए हैं तो फिर किसी तरह से जब देखा गया कि आदमी, लोगों ने सीढ़ी पर चढ़ते हुए आदमी को भी देखा, हमें छोटे भाई में देखा कि उसमें जो मेन चैनल गेट है वहाँ पर वो असलाह लगाकर खड़े हुए थे कि अगर कोई निकलता है तो जो भी उनके साथ कर सकते हैं, जो भी वो अपने बचाव के लिए करते तो करते। और 2-3 लोगों ने देखा बाहर कि सीढ़ी पर वो चढ़ रहे हैं, तो जब तक वो दौड़ा के पहुँचते, चूँकि 6 बजे का मामला था, 6:10 का मामला था, तो चूँकि अंधेरा होता है, जब अंधेरा होता है तो फिर, और लोग भी इतने थे, 3-4 लोग उस समय आ पाए थे, उसके बाद बहुत सी भीड़ इकट्ठा हुई लेकिन वो सब निकल जा चुके थे। अच्छा, कैसे उनकी हत्या की गई इसका कुछ? अब जो मैंने देखा तो उसमें तो उनके होठों पर स्वेलिंग थी, फूटे हुए थे, ब्लड निकला हुआ था, और ये गले में उनको जो है अंगोछा जो कपड़ा से उनको बंधा हुआ मुझे दिखा, साधु गले से खींचा हुआ। ये चोरी है क्या है? नहीं, चोरी कैसे हो सकती, ये तो डकैती का मामला है, ये बहुत बड़ी चीज है, ऐसा कैसे हो सकता है? तहरीर में आपने क्या दिया है? तहरीर में अभी तो उन्होंने बुलाया मुझे थाने पे कि आप आइए और यहाँ पर मुकदमा लिखवाइए। आज सवेरे जानकारी मिली थी कि ग्राम सुढ़िया मऊ रामनगर में जायसवाल परिवार है, इनके यहाँ छत पर एक आदमी शंभू रावत नाम का रहता था, जो इनके यहाँ हेल्पर का काम करता था, उम्र लगभग 50-55 वर्ष है, उसका शव छत पर पड़ा हुआ था। इस पर तत्काल पुलिस मौके पर आई है, मैंने भी मौका मुआयना किया है, तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा और जल्दी से जल्दी इसका अनावरण किया जाएगा।